हिमाचल के छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी को प्रसिद्ध प्राचीन शक्तिपीठों के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी प्रसिद्ध माना जाता है। लेकिन उस छोटी काशी मंडी के ही मंदिरों की हालत दयनीय होती जा रही है। उस छोटी काशी मंडी के ही मंदिरों की हालत दयनीय हो जाए तो उससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। बात हो रही है मंडी जिला के उपमंडल सरका घाट के प्रसिद्ध प्राचीन शक्तिपीठ नौबाही देवी मंदिर के चारों ओर अव्यवस्था के आलम की। मंदिर के गर्भगृह की छत से लगातार पानी टपकने से मंदिर गिरने की कगार पर पहुंच गया है। इससे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से शीश नवाने आए भक्तों में प्रदेश सरकार व मंदिर प्रबंधन के खिलाफ गहरा रोष व्याप्त है। नवाही गांव में स्थित मंदिर में माता के दर्शन करने आए भक्त छत से लगातार टपक रहे पानी के कारण काफी परेशानी झेल रहे हैं। मंदिर परिसर में बने राधा कृष्ण मंदिर के दान पात्र पर भी छत से पानी टपक रहा है। हैरानी की बात यह है कि मंदिर प्रबंधन द्वारा अपनी नालायकी छुपाने के लिए दान पात्र के ऊपर प्लास्टिक का लिफाफा रखकर उसे पानी से बचाया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर में बने दो कमरों की स्थिति भी दयनीय है और कमरों में दरारें भी पड़ गई है। नवाही माता का मंदिर पिछले 12 सालों से सरकार द्वारा अधिगृहित कर प्रशासन की देखरेख में है, लेकिन प्रशासन आज दिन तक मंदिर के मुख्य द्वार में नवाही माता का एक साइन बोर्ड तक नहीं लगा सका है। मंदिर में सावन मास, नवरात्र और त्योहारों में हजारों लोग माथा टेकने आते हैं। हालांकि मंदिर अधिकारी तहसीलदार सरकाघाट द्वारा स्थानीय लोगों की समिति बनाई है जो प्रशासन को समय समय पर मंदिर निर्माण करने, साज सज्जा, रंग रोगन करने व श्रद्धालुओं को अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुझाव देती रहती है, लेकिन किसी भी सदस्य का ध्यान मंदिर की छत तक न जाने से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि मंदिर में हर वर्ष 7 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। अगर श्रद्धालु मंदिर में 1 रुपया भी दान पात्र में चढ़ाता हो तो वर्ष में 7 लाख की राशि बनती है। अगर श्रद्धालु 10 रुपया भी दान पात्र में डाले तो वर्ष में 70 लाख रुपए की राशि बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन मंदिर का रखरखाव करना भूल गया है। स्थानीय लोगों विनोद कुमार, रामलाल, रमेश कुमार, नरेश कुमार, मनोहर लाल, राधेश्याम, भीम सिंह, हरिराम, ललित जामवाल सहित अन्य लोगों ने मंदिर प्रशासन से गर्भगृह की छत, लेंटर व कमरों की तुरंत मरम्मत करवाने की मांग की है। वहीं प्राचीन शक्तिपीठ नौबाही देवी मंदिर में लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए शौचालयों में काफी समय से ताला लटका है। शौचालय बंद रहने से मंदिर की स्वच्छता चरमरा गई है। इन शौचालयों का प्रयोग श्रद्धालु करते हैं, लेकिन शौचालय बंद रहने से श्रद्धालुओं को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर अधिकारी एवं तहसीलदार सरकाघाट दीनानाथ से जब दूरभाष के माध्यम से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 4 दिन पूर्व ही मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। समस्या को लेकर शीघ्र ही मंदिर का दौरा कर सारी स्थिति का जायजा लिया जाएगा। हमारे लिए काफ़ी एक प्राइड मोमेंट है, काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं कि ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है हमारा, जिसकी हमारी प्राचीन धरोहर है। लेकिन इसके साथ ही हमें काफ़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि इसका रखरखाव जो है उसके प्रति प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। जैसा कि अगर आप देखें तो इस मंदिर में इतना खर्चा हो चुका है, इतने अच्छे मार्बल बिछाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर इसकी छत की बात करें तो जो बरसात में ये इतनी बुरी तरह से यहाँ पे पानी गिरता है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी भक्तगण आते हैं उनका गिरने का खतरा बना रहता है। और अगर किसी भवन की बात करें तो ये जर्जर हो चुकी है बिल्कुल। और अगर हम किसी त्योहारों के बारे में बात करें, जैसे नवरात्रि का अगर सीज़न देखा जाए तो नवरात्रों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस वजह से यहाँ पर लोगों का मतलब एक बहुत बड़ा एक शर्म की बात हो जाती है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि इस जो हमारी जो ये प्राचीन धरोहर है इसके प्रति थोड़ा सा ध्यान अपना दें, और इसमें जो भी त्रुटि या फिर इनमें जो कमियाँ पाई जा रही हैं, जो भी इसमें भवन में जो भी जर्जरता हो चुकी है, इसके लिए कोई मरम्मत का कार्य किया जाए और जिससे हमारी जो प्राचीन धरोहर है उसका रखरखाव ठीक से बना रहे। नवाही मंदिर में वर्ष भर में 7 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं,
यदि एक श्रद्धालु एक रुपये भी चढ़ाता हो तो 7 लाख रुपए बनते हैं, 12 वर्षों में 84 लाख रुपए बनते हैं, 10 रुपए यदि एक श्रद्धालु चढ़ाता हो तो 8 करोड़ 40 लाख रुपए बनते हैं। मंदिर के खाते में 11 मार्च 2016 को 10,75,000 ही जमा थे, जबकि 3 वर्षों के अंदर 50 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जमा हो गई है, परंतु प्रशासन फिर भी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। मंदिर जर्जर स्थिति में है। अतः नवाई मंदिर बचाओ संघर्ष समिति प्रशासन व सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करने जा रही है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नितेश सैनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।